अब वक्त हो गया है एक ऐसी डिश का जो शायद आपको किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगी। अब हम गर्मा गर्म बारबेक्यू की मदद से बनाएंगे एक ठंडा ठंडा डिजर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना ग्रिल्ड फ्रूट्स विद आइसक्रीम। इसके लिए हमें चाहिए सारे फ्रूट्स जो भी आपको सीजनल फ्रूट्स मिल जाएं। अभी हमारे पास है आलू बुखारा यानी प्लम, ऑरेंज संतरा, ग्रेप्स यानी अंगूर, पपीता, हरा अंगूर, कीवी, पाइनएप्पल यानी अनानास, सेब, हमने यहाँ पे रखा हुआ है ऑरेंज जूस, शहद, थोड़े पुदीने के पत्ते, एप्पल जूस और नींबू। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसे बनाना। हमारे पास यहाँ पे एक कप ऑरेंज जूस है तो हम आधा कप ही यूज करेंगे और इसमें डालेंगे आधा कप एप्पल जूस। डाल देते हैं इसमें एक चम्मच शहद। इसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे। आप चाहें तो इसमें कोई हर्ब यूज कर सकते हैं या कोई स्पाइस यूज कर सकते हैं, चाहें तो इसमें दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, फलों के साथ बहुत अच्छे लगते हैं ये स्पाइसेस। शहद गर्म हो चुका है तो उसकी बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। हमारे पास ये फ्रूट लिकर तैयार है, एक तरह से इसे कहा जाए तो फ्रूट का एक स्टॉक है जिसमें हम सारे फ्रूट्स अब पोच करेंगे या ग्रिल करेंगे उन्हें कह सकते हैं। पहले डालते हैं पपीता, काले अंगूर, संतरा, आलू बुखारा। आपको इनमें से जो फ्रूट नहीं पसंद है आप उन्हें मत डालिए और जो ज्यादा पसंद है वो ज्यादा डाल सकते हैं। सेब, अनानास, कीवी, हरे अंगूर। साथ में डाल देते हैं कुछ पुदीने की पत्तियां जो हमने यहां पे रखी हैं। और अब इसे धीमी आंच पर आप पकने दीजिए करीब 2-3 मिनट तक, ताकि जितना भी फ्लेवर है इस लिकर का जो हमने पहले बनाया था वो फ्रूट्स के अंदर आ जाए। ढक देते हैं इसे 2-3 मिनट तक और 2-3 मिनट बाद इसे सर्व करेंगे। चलिए 2 मिनट हो चुके हैं। ग्रिल फ्रूट्स तैयार हैं, अब हम इन्हें सर्व करते हैं। तो ग्रिल्ड फ्रूट्स तो रेडी हैं, कमी है तो आइसक्रीम की, तो चलिए वो भी डाल देते हैं। गार्निश करते हैं इसकी मिंट से जिसको देगा थोड़ी और फ्रेशनेस और कलर। तैयार है हमारे ग्रिल्ड फ्रूट्स विद आइसक्रीम। ग्रिल्ड फ्रूट्स विद आइसक्रीम बनाने के लिए आपको चाहिए संतरा 5 से 6 टुकड़े, अंगूर 5 से 6 टुकड़े, आलू बुखारा 5 से 6 टुकड़े, काले अंगूर 5 से 6 टुकड़े,
पपीता 5 से 6 टुकड़े, कीवी 5 से 6 टुकड़े, अनानास 5 से 6 टुकड़े, संतरे का रस आधा कटोरी, सेब का रस आधा कटोरी, नींबू का रस 1 छोटा चम्मच, पुदीना 1 छोटा चम्मच, शहद 1 छोटा चम्मच। अब इसे बनाने की विधि नोट करें। एक कढ़ाई में संतरे का रस और सेब का रस गर्म करें। अब शहद डालें और पकाएं। अब फलों में पुदीना डालकर पकाएं। सर्विंग ग्लास में इस मिश्रण को डालें और वनीला आइसक्रीम डालें। पुदीने से गार्निश करें और सर्व करें।